हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नव क्लासेस. आज हम करेंगे स्टेटमेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं ये भी, बट इसमें असर्शन और रीजनिंग पूछी जाती है. इसके रिलेटेड ट्रिक्स समझेंगे कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप. सो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें. और लेसन अच्छा लगेगा तो लाइक भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा. सबसे पहले समझते हैं असर्शन होता क्या है. असर्शन एक आइटम है जो कंबाइन करती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के एलिमेंट्स को, जैसे कि जो आपका असर्शन और रीज़न है. ठीक है, सो असर्शन का मतलब एक स्टेटमेंट उन्होंने बता दी और आपको पता लगाना है कि उसका जो रीज़न इन्होंने दिया है, क्या इसका रीज़न ये है. मतलब एक चीज़ होती है, ठीक है, कुछ होता है ए बी सी समथिंग जो होता है, लेकिन उसके पीछे का रीज़न क्या है. इसका बिकॉज हमारा ये रीज़न में स्टेट होता है और हमें पता लगाना होता है कि क्या ये दोनों ही ठीक हैं सबसे पहले तो, और उसके बाद हम पता लगाते हैं कि क्या इसका रीज़न बिल्कुल ठीक है. इसको हम समझेंगे डिटेल में, बट हम पहले इसको ही समझ लेते हैं ये होता क्या है. और अलाउ करता है कि अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं. स्टूडेंट्स के जो हायर लेवल ऑफ लर्निंग है, इसके लिए ये असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. देखा जाता है कि क्या ये स्टूडेंट एक सेंटेंस को पढ़ के समझ सकता है. पहले तो ये, अगर समझ सकता है तो क्या उसको उसको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड या जिससे भी रिलेटेड है, अगर वो जर्नल और नॉलेज से क्वेश्चन आया है, आपके सब्जेक्ट से आया है, जैसे कि फाइनेंस हो गया, कंप्यूटर हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, क्या उसको उसके सब्जेक्ट की नॉलेज है. अगर सब्जेक्ट की नॉलेज है तो ये पता लगा लेगा कि ये दोनों स्टेटमेंट सही है या नहीं. अगर उसने इतना तो पता लगा लिया, अब क्या वो ये समझ सकता है कि इसके पीछे का रीज़न ये है या नहीं. अब आपको इसके लिए, इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, किस किस चीज़ पे काम करना होगा. अपनी जनरल नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जनरल नॉलेज से रिलेटेड असर्शन वाले क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं. दूसरा, जो आपका सब्जेक्ट है उसको समझना पड़ेगा, उसके कॉन्सेप्ट्स को आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये क्या कहता है हमारा सब्जेक्ट के अंदर. डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज होती हैं और वो थ्योरीज क्यों बोली गई. ऐसे ही सब्जेक्ट में एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट होती है, जैसे कि अगर आपको बोल दिया, यस, एक अलग सा ही हाइपोथेटिकल मैंने खुद ही क्वेश्चन बना लिया. सो इसमें क्या कहा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आर जनरली आस्क्ड इन एग्जाम्स. ये असर्शन कहता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं. सो इसका रीजनिंग ये बताई है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जज करता है कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी स्टूडेंट्स की. अगर आप इसको ऐसे समझोगे और आप बिल्कुल बिगिनर हो, आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये इसका रीज़न है या नहीं. पहले तो ये दोनों स्टेटमेंट तो ठीक है, इतना तो पता चल गया, लेकिन रीज़न कैसे जज करेंगे. अगर आप बिल्कुल बिगिनर है, कुछ भी नहीं पता, तो जस्ट इसके बीच में बिकॉज लगा दें. ठीक है, बिकॉज लगा दें. अब इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए क्या क्या समझ में होना चाहिए, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है. ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इतना हमें पता है. अब ये होता क्या है, हमें ये अगर पता है तो अच्छी बात है. उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते क्यों हैं. तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी वाली नॉलेज काम आई, आपकी नॉलेज काम आई कि कंसेप्ट रिलेटेड टू सब्जेक्ट, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए. जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में कुछ तो पता होना चाहिए. आप किसी ऐसे पर्सन से पूछोगे जिसको इस वर्ड का मतलब ही नहीं पता, तो वो आंसर नहीं दे पाएगा. इसलिए ये नॉलेज चेक की जाती है, क्या आपको इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पता है या नहीं. अब पता है, जनरल नॉलेज भी आ गई आपको, अब क्या आप इसकी लैंग्वेज क्वेश्चन की समझ पा रहे हो. अगर आप इसकी लैंग्वेज समझ पा रहे हो, इसको अपने माइंड में समझा पा रहे हो कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो आप आंसर सही दे दोगे. ठीक है, आपको ये इन सब चीज़ों पे अपने वर्क करना स्टार्ट करना है. अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जज करता है कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी स्टूडेंट की, क्या ये इसकी एक्सप्लेनेशन सही है, ये इसका रीज़न सही है. अगर इसको आप ऐसे देखोगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जनरली एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्योंकि इससे स्टूडेंट्स की कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी को जज किया जा सकता है. बिकॉज वी कैन जज या इट जजेस द कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट. अगर आप ऐसे क्वेश्चन को समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या ये बिकॉज वाली चीज़ सही बोल रहा है या नहीं. तो यस, ये तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, यही ये रीज़न है. अगर हम उनकी कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी को जज करना चाहते हैं, तो इसलिए हम उनका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टेक्स्ट लेते हैं.
अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक एबिलिटी है रीड करने की टेक्स्ट को, उसको प्रोसेस करने की और उसके मतलब को समझने की एंड अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, कि उसका मतलब हम निकाल पा रहे हैं या नहीं. तो ये अब ये क्या चीज़ है, ये क्या है, सही रीज़न है, ये भी रीज़न में बोल दिया उन्होंने. ये तो अगर एग्ज़ाम में इसके अलावा आपको ये वाला रीज़न आया था, क्या हम ये जो मतलब हो गया इस वर्ड का मीनिंग बता दिया, तो ये सेंटेंस तो ठीक है, लेकिन क्या ये इसका रीज़न है. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम एग्ज़ाम में इसलिए पूछते हैं क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक एबिलिटी है कुछ टेक्स्ट को समझने की, रीड करने की, प्रोसेस करने की और समझने की. आपने ये बताया तो इसका ये रीज़न तो नहीं बन रहा ना, ये सिर्फ उसका मीनिंग बन रहा है. तो यहाँ पर दिस इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. बोथ आर करेक्ट, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये वाला नहीं है. तो फर्स्ट रीज़न, सेकेंड रीज़न, और आपको ये समझ में आया कि कैसे ये वाला गलत हो गया, एक्सप्लेनेशन नहीं हुई, सिर्फ ये दो ही ठीक हो गए. और ये भी ठीक है, करेक्ट है, बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि इसमें ये नहीं बताया कि ये इसीलिए पूछा जाता है, उसका रीज़न नहीं बताया, ये जस्ट सेंटेंस है जो बिल्कुल ठीक है. ठीक है, अब असर्शन वाले क्वेश्चंस में दो स्टेटमेंट्स आपको गिवन होती है, एक तो असर्शन होता है, दूसरा रीज़न होता है. स्टूडेंट को सबसे पहले देखना होता है कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं. इतना पता चल गया तो आप आगे बढ़ेंगे, अगर सही नहीं है तो एक को सही कर देंगे, दूसरा को गलत कर देंगे, या फिर दोनों गलत होंगी तो उस वाले ऑप्शन पे टिक कर देंगे. अगर दोनों सही हैं तो अब स्टूडेंट को अगला देखना है कि क्या वो सही से एक्सप्लेन कर रहा है रीज़न को, क्या वो एक्सप्लेनेशन सही है, क्या वो उसका असली रीज़न है, उसका पीछे का रीज़न वही है, उसके बिकॉज को समझ के आप ये आंसर दे पाओगे. देर इज़ वन ऑप्शन फॉर ईच पॉसिबल आउटकम, हर एक पॉसिबल आउटकम के लिए एक ऑप्शन होता है, जैसे कि क्या ये दोनों सही हैं, क्या ये दोनों सही हैं, क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, ये चेकलिस्ट हो गई, क्या ये दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, ये वाला सही है, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, ये वाला सही है, मतलब असर्शन एंड रीजनिंग और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन. ठीक है, और या फिर आपका हो सकता है कि दोनों के दोनों ही फॉल्स हो, ये सारे के सारे ऑप्शन आपके यहाँ पर बन सकते हैं. यहाँ पे ऐसे होता है असर्शन रीज़न हो गया, क्या ये दोनों सही हैं, अगर सही हो गए तो हम नेक्स्ट आगे जाएंगे, रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, अगर ये दोनों ट्रू हैं फिर आगे जाएंगे, क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, हमें लगा कि नहीं ये एक्सप्लेन सही से नहीं कर रहा, जैसे मैंने आपको सेकंड वाले ऑप्शन में बताया था, जस्ट मीनिंग बता रहा था वो, उसका रीज़न नहीं बता रहा था, तो नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाले को ट्रिक करेंगे. फिर ये सारे ऑप्शंस आगे पीछे भी हो सकते हैं, क्या ये सही है और ये गलत है, तो आप उसको फिर ये वाला ऑप्शन टिक कर देंगे, एक ए वाला असर्शन सही है रीज़न गलत है, तो आप सी वाले को टिक करेंगे. देन डी इज असर्शन गलत है और रीज़न सही है, देन दोनों ही गलत है. तो इस तरीके से आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं और आप उनको करेक्ट करेंगे. अब हम क्वेश्चंस देखते हैं और बिल्कुल आसान तरीके से कि आपको समझ में आता है या नहीं. ये सब सारे हैं असर्शंस और ये सब सारे हैं रीजंस. पहले आपको देखना है क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है या नहीं, फिर उसके आगे बढ़ेंगे हम. पहले देखते हैं बैट कैन फ्लाई इन नाइट, क्या बैट चमगादड़ रात को उड़ सकते हैं, यस उड़ सकते हैं. अब इसको देखना है बिना किसी और चीज़ के, बैट इमिट अल्ट्रासोनिक वेव्स, क्या बैट अल्ट्रासोनिक वेव्स इमिट करते हैं, क्या बैट अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ते हैं, यस ये भी ठीक है. अब हम नेक्स्ट स्टेप आगे जाएंगे, बोथ आर ट्रू हमें पता चल गया. नेक्स्ट स्टेप आगे कैसे जाएंगे, क्या ये अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ते हैं इसीलिए ये रात को उड़ पाते हैं, ये बिल्कुल सही है या नहीं. अगर मैंने इसके बीच में बिकॉज लगा दिया, बैट कैन फ्लाई नाइट बिकॉज बैट इमिट अल्ट्रासोनिक वेव्स, क्योंकि ये अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ते हैं, क्या ये चीज़ सही है. तो फ्रेंड्स, जिसको जनरल नॉलेज आती होगी, जिसको ये इस बारे में पता होगा, वही इसका आंसर दे पाएगा. तो देखिए इसका आंसर ये बिल्कुल ठीक है, ए एंड बी आर करेक्ट, मतलब ए एंड रीजन आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऐसा कैसे, जो बैट है वो पहले अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ते हैं, और जो यहाँ पर होता है जो कीड़ा होता है या जो भी होता है, इससे ये अल्ट्रासोनिक वेव्स टकराती हैं और फिर वहाँ से ये, पहले तो यहाँ से इसने बैट ने छोड़ी, ये जहाँ भी होगी, जहाँ भी इधर होगा अगर कीड़ा, तो यहाँ पर जाके टकराएंगी, फिर इधर है ये, तो अब इधर टकरा गई, अब क्या होगा,
अब ये अल्ट्रासोनिक वेव्स इससे टकरा के इसके पास वापस आ जाएंगी और ये आइस से लेकिन इसकी वजह से ही ये उड़ के वहां चला जाता है। ठीक है, तो इस वेव ने इसको बता दिया कि ये इधर गई और इधर से वापस आई है, तो इससे रिफ्लेक्ट हो गया कि इसका यहाँ पर प्रे है, मतलब इसका शिकार यहाँ पर है, तो यहाँ से फिर ये उधर उड़ के चला जाएगा। इस तरीके से यस ये फ्लाई कर सकता है रात को और अल्ट्रासोनिक वेव्स इमिट करता है, इसलिए ये रात को फ्लाई करता है। बैट कैन फ्लाई इन नाइट, वो रात को फ्लाई कर सकता है। ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट तो सही है। बैट इज नॉट बर्ड, बैट बर्ड नहीं है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? सही है, बैट क्यों है, बर्ड है या मैमल? बैट तो मैमल है, ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि ये बर्ड नहीं है कह रहा है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी सही है। अब बताओ क्या ये रीजन इसका सही है कि बैट बर्ड नहीं है इसलिए ये रात को फ्लाई कर सकता है? क्या दूसरे जो मैमल्स हैं वो भी फ्लाई कर सकते हैं सारे के सारे? सो इट मीन्स कि क्या रीजन इसका फ्लाई ना करने का यही है? नहीं, क्योंकि इसका रीजन तो है कि ये अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ता है, ये वाला रीजन है, ये रीजन नहीं है। सो इसका मतलब ए एंड आर आर करेक्ट बट नॉट करेक्ट रीजन, नॉट एक्सप्लेनिंग। ठीक है, आर इज नॉट एक्सप्लेनिंग भी कह सकते हो या फिर रीजन भी कह सकते हो। सो आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इतना कंप्लीट हो गया, अब आते हैं नेक्स्ट पे। बैट कैन फ्लाई इन नाइट, बैट रात को नाइट में फ्लाई कर सकता है, ये ठीक है? यस ये ठीक है। बैट की पावरफुल आईज होती है, क्या बैट की आईज होती है? लेकिन उसके जो कान होते हैं वो ज्यादा पावरफुल होते हैं आईज से। ए इज करेक्ट, आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। ये चीज क्लियर हो गई कि कैसे हमने बताया यहाँ पे ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी थी, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी थी यहाँ पे, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन और ये ट्रू है, यहाँ पे ये वाला फॉल्स है। नेक्स्ट, बैट कैन नॉट फ्लाई इन नाइट, बैट रात को फ्लाई नहीं कर सकता, इसने ये बोल दिया, क्या ये सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है, सो दिस इज रॉन्ग। बैट इज मैमल, क्या ये सही है, बैट मैमल है? यस बैट तो मैमल है। इट मीन्स ए इज रॉन्ग एंड बी आर इज करेक्ट। देन बैट कैन नॉट फ्लाई इन नाइट, इसने बोला बैट रात को फ्लाई नहीं कर सकता, क्या ये सही है? ये गलत हो गया। बैट इज बर्ड, ये भी गलत हो गया। इट मीन्स दोनों ही फॉल्स है, ए एंड आर फॉल्स। तो आई होप ये सभी आपको समझ में आ गए। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, असर्शन स्टीम इंजन वॉज इन्वेंटेड बाय जेम्स वॉट, स्टीम इंजन जेम्स वॉट ने इन्वेंट किया था, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। देयर वॉज प्रॉब्लम ऑफ टेकिंग आउट वाटर फ्रॉम फ्लडेड माइंस, जो भी आपकी फ्लडेड माइंस थी वहाँ से पानी निकालना बहुत मुश्किल था इसलिए। अच्छा चलो ये स्टेटमेंट ठीक हो गया, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? हाँ ये भी ठीक है। क्या यही रीजन था इसीलिए इसने इंजन को इन्वेंट किया था, ये बताओ? यस, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए इसने इंजन को इन्वेंट किया कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो इट मीन्स आपका रीजन भी करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, ए एंड आर बोथ आर ट्रू, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, आज की डेट में बुक्स में बहुत ज़्यादा लॉज हैं, ठीक है, एंड मोर क्राइम बीइंग कमिटेड देन एवर बिफोर, और क्राइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है सब कुछ, लॉज भी बढ़ गए हैं और क्राइम भी। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, असर्शन सही है? यस असर्शन तो ठीक है, सब कुछ बढ़ा ही है, ये आपके जनरल नॉलेज से रिलेटेड है। बिकॉज टू रिड्यूस क्राइम वी मस्ट एलिमिनेट लॉज, अगर हमें ये दोनों बढ़ गए हैं, अगर हमें क्राइम को रिड्यूस करना है तो हमें लॉज को कम करना पड़ेगा, क्या ये चीज़ सही है? तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो इसके ये चीज़ सही हो भी सकती है नहीं भी, क्योंकि हमें इसके बारे में एश्योरिटी नहीं है कि क्या हम जितने ख़त्म कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे तो हमारे क्राइम्स भी वहाँ पर कम हो जाएंगे, कैसा होगा? हम श्योरिटी तो नहीं दे सकते और ना ही हम ऐसा कह सकते हैं कि ये हो जाएगा, तो इसको हम डाउटफुल में डाल देंगे क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास है डाउटफुल का, हम तो इसमें डाल सकते हैं। अब क्या ये सही इसकी एक्सप्लेनेशन है कि ये अच्छा ये क्राइम इसलिए बढ़े हैं क्योंकि हमने इसको रिड्यूस करना है और एलिमिनेट होंगे, फिर अगर हमने इन लॉज को एलिमिनेट कर दिया तो हमारे क्राइम रिड्यूस हो जाएंगे, ये रीज़न तो किसी एंगल से लग ही नहीं रहा बिल्कुल भी, ये किसी भी चीज़ का रीज़न तो हो ही नहीं सकता।
इसलिए ए इज ट्रू, आर इज डाउटफुल और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो आपका आंसर हो जाएगा ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन गिवन है इनसाइड द अर्थ मेटल्स आर प्रेजेंट इन मोल्टन स्टेज. जो मेटल्स होते हैं वो मोल्टन स्टेट में प्रेजेंट होते हैं अर्थ के अंदर, इनसाइड. तो हमने अगर कभी पिक्चर भी देखी होगी, इमेज भी देखी होगी अर्थ में, तो जो उसका कोर एरिया होता है बिल्कुल, तो यहाँ पे जो हमको क्या दिखता है, बिल्कुल ऐसा कुछ जैसे कि आपके लोहे को बिल्कुल पिघला दिया हो, इस तरीके से कुछ दिखता है ना. तो यस, ये तो बिल्कुल ठीक है, असर्शन ठीक है. अर्थ एब्जॉर्ब करती है सन की रेस, इसलिए मतलब सन की रेस अर्थ तक ऐसे पहुंचती है कि वो उसके अंदर जो मेटल है, इनसाइड द अर्थ उसके क्रस्ट में जो मेटल है वो पिघल जाता है. तो अगर वो रेज ऐसे पहुंचती होती तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन भी है और जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है. कॉमन सेंस ये है, अगर सन की रेज, यहाँ पे सन है, सन की रेज ऐसे पहुंचती भी होगी कि इसके मेटल को पिघला दे, तो उससे पहले तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, तो हमें पहले नुकसान होगा. ये ऐसे कैसे हो सकता है? तो दोनों चीज़ें हैं आपको यहाँ पर. वैसे ये क्वेश्चन कौन सा है? जनरल अवेयरनेस का, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, इसलिए आपका रीजन तो गलत हो गया. तो आपका आंसर क्या होगा? फर्स्ट ठीक है, ओके. हाँ, यहाँ से है ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, सो सी आंसर हो जाएगा. इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि इनसाइड द अर्थ टेम्परेचर बहुत हाई होता है. इसका असली रीज़न भी तो हमें पता होना चाहिए. अगर हमने कॉमन सेंस से तुक्के से आंसर दे भी दिया तो क्वेश्चन का रीज़न क्या है हमें अगर पता होगा तो इट मीन्स हमें जनरल नॉलेज है. तो वो टेम्परेचर हाई होता है और जो प्रेशर है उसकी वजह से मेटल मोल्टन स्टेट पे होते हैं. द अर्थ डज नॉट एब्जॉर्ब सन्स रेज, सन की रेज को एब्जॉर्ब नहीं करती बल्कि उसको रिफ्लेक्ट करती है. सन की रेज ऐसे आकर ऐसे चली जाती है, ये रही सन की रेज, अर्थ पे इस तरीके से आकर रिफ्लेक्ट होती हैं. असर्शन गिवन है आपको लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, मतलब लाइफ टाइम चलते रहने वाला प्रोसेस है. क्या ये सही है? यस ये तो सही है. देन लर्निंग इज टू बी यूजफुल, लर्निंग को अगर यूजफुल बनाना है तो मस्ट बी लिंक्ड विद लाइफ प्रोसेसेस, तो उसको लाइफ प्रोसेसेस के साथ लिंक करना पड़ेगा. सो इन्होंने क्या कहा है कि अगर इसको यूजफुल बनाना है तो लाइफ प्रोसेस के साथ इसको लिंक करना चाहिए, लिंक करना पड़ेगा. तो इन्होंने ये कहा है कि बेसिकली जो भी हमारी लाइफ की साइकिल होता है, जो भी स्टेप्स होते हैं, जैसे बच्चा बड़ा बड़ा, तो उसके साथ लिंक करना पड़ेगा लर्निंग. तो अगर हम देखें इनडायरेक्टली या जैसे भी, तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है क्योंकि हर एक स्टेज पे लर्निंग ज़रूरी है. और ये भी ठीक है कि लर्निंग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है. क्या अब ये हमें पता चल गया कि ये दोनों ठीक है? अब क्या ये इसकी वजह से ही लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है कि इसको अगर हम लिंक करेंगे तो इसलिए ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है? क्या ऐसा है? इसको समझो ध्यान से. नहीं, ये इसका रीज़न नहीं है. ये रीज़न के तौर पे ये स्टेटमेंट इसके साथ फिक्स नहीं हो रही कि लर्निंग को लाइफ प्रोसेस के साथ लिंक करना चाहिए इसलिए वो लॉन्ग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है. नहीं, इसलिए आप कह सकते हो कि ए एंड बी, ए एंड आर ट्रू, रीज़न और असर्शन दोनों ट्रू है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो बी आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट इज आपका ये टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है. किससे? टीचिंग एप्टीट्यूड से. सो फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन टेंड्स टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ लर्निंग, कि फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन जो है आपका लर्निंग का पेस एक्सेलरेट करता है. ये अच्छा है आपके लिए क्योंकि इसकी वजह से लर्निंग लेवल बढ़ता है. और रीज़न गिवन है, एज अगेंस्ट समेटिव इवेल्यूएशन फॉर्मेटिव हाईली रिलायबल है. समेटिव इवेल्यूएशन, और अगर आपको फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप इसका आंसर दे दोगे? नहीं दे पाओगे क्योंकि आपने टीचिंग एप्टीट्यूड सही से नहीं पढ़ा. अगर ये पढ़ा होता तो दे पाते आपका आंसर. मैंने आपसे एकदम से कोई क्वेश्चन पूछा होता और आपने, मैंने लाइव टेस्ट लिया है आपका, आपने आंसर दे दिया जल्दी से, इसका मतलब आपको वो क्वेश्चन का आंसर आता है. क्या ये फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन है? यस, क्योंकि हमने इंस्टेंटली आंसर दे दिया तो ये फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन है. लेकिन आपका क्या इससे ये जज कर सकते हैं कि आप ब्रिलियंट हो? नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव्स हैं जो जज करने के लिए अच्छे हैं. इट मीन्स इससे ये इवेल्यूएशन सुपीरियर तो नहीं हुआ. सुपीरियर कौन सा हुआ? जो समेटिव इवेल्यूएशन होता है. वो क्या होता है? वो ये होता है, मान लो
आपका पूरा सेशन हो गया, सारा कुछ आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपका एग्ज़ाम लिया गया, जैसे कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो रहा है, ये आपका एग्ज़ाम लिया गया, तो इट मीन्स वो हो गया एक तरीके से सुमेटिव इवेल्यूएशन एज़ कम्पेयर टू फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन। जस्ट एन एग्ज़ाम्पल, एग्ज़ाम में आपके जो आपके कॉलेज के एग्ज़ाम्स होते हैं लास्ट, तब आपके आ गए समेटिव इवेल्यूएशन में, ठीक है। तो फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन हाईली रिलायबल, इसने बोला, क्या आप इसको हाईली रिलायबल कंसिडर कर सकते हो? नहीं, जबकि हम जो लास्ट में एक मेन एग्ज़ाम हो रहे हैं उसी को हाईली रिलायबल कह सकते हैं। तो समेटिव ज़्यादा रिलायबल होते हैं फॉर्मेटिव से। सो इट मीन्स आपका ये सही है, ये गलत है, तो इसमें देखते हैं, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, सी आंसर। नेक्स्ट असर्शन गिवन है, द क्वाइन व्हेन फ्लिप नेक्स्ट टाइम विल कम अप टेल। अगर हम नेक्स्ट टाइम क्वाइन को फ्लिप करेंगे तो टेल आएगा, ये पूछा है, ये आपका यूजीसी नेट में भी आया हुआ है, ठीक है। सो क्या आप कह सकते हो, मान लो मेरे पास एक क्वाइन है, मैं कह सकती हूँ टेल आया है, ये ट्रू है? यहाँ पे डाउटफुल वाला इक्वेशन भी है, तो इट मीन्स हो सकता है ये डाउटफुल हो, ठीक है। ट्रू तो हो ही नहीं सकता, अगर ये डाउटफुल वाला नहीं होता तो इसको हम फॉल्स ही करते, लेकिन यहाँ पे डाउटफुल वाला ऑप्शन गिवन है तो हम इसको डाउटफुल में ला सकते हैं इस कैटेगरी को। तो यस, ये डाउटफुल है, क्या आप पता उसका टेल आ जाए, क्या पता उसका हेड आ जाए, हमें नहीं पता। अब बिकॉज द क्वाइन वॉज फ्लिप्ड 5 times इन रो, वो 5 एक रो में फ्लिप किया गया था, एंड ईच टाइम इट कम्स अप हेड, क्योंकि हर बार वो हेड आया था, तो ये रीज़न सही है, सेंटेंस सही है, यस ये बिल्कुल सही है, आर इज ट्रू, लेकिन इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा, और ए डाउटफुल है कि अगली बार क्या पता टेल आ जाए और हेड आ जाए, इसकी हम श्योरिटी दे सकते हैं? नहीं, वी कैन नॉट एश्योर दिस। इसलिए स्टेटमेंट तो ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ है, किसी ने बोला कि ऐसा हुआ था, पिछली बार हमने 5 रो में उसको फ्लिप किया तो 5 हेड आया था, ठीक है, हमने इसको मान लिया, ये ठीक हो सकता है, लेकिन ये एक्सप्लेन भी सही नहीं कर रहा और ये खुद ही डाउटफुल है। तो ए इज डाउटफुल, आर इज ट्रू, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन गिवन है, मैन इज रैशनल बींग, मैन रैशनल बींग है, रैशनल है, रैशनल का क्या मतलब होता है, जो सही है उसको, जो मैन को सही लगता है वो करता है, ठीक है, रैशनल है। अगर वो चाहता है कि मैं मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम हो तो वो उस हिसाब से ही डील करेगा, ठीक है, मतलब कि जिस चीज़ में उसको ज़्यादा बेनिफिट होता है या ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है वो करेगा, इसलिए वो रैशनल बींग है, ठीक है। मैन सोशल बींग है, यस वो सोशल बींग भी है। अब क्या वो रैशनल बींग इसलिए है क्योंकि वो सोशल बींग है? अब रीज़न देखो, मैन इज़ रैशनल बींग बिकॉज ही इज़ सोशल बींग, क्या ये रीज़न सही बता रहा है आपको? नहीं, ये रीज़न सही नहीं बता रहा, बोथ ठीक तो है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन गिवन है, ऑल टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग, कि सभी के सभी अगर हम टीच करते हैं, किसी को पढ़ाते हैं, तो इसका मतलब वो सीखेगा ज़रूर। कैसा होता है, एक टीचर एक क्लास में बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाती है, एक स्टूडेंट ये भी है, ये भी है, ये भी है, सारे स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर एक टीचर है, अब इसने सबको पढ़ाया, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि ये सब के सब सीख गए? कुछ स्टूडेंट नहीं सीखते, कुछ स्टूडेंट का मन नहीं होता सीखने में, इसलिए टीचिंग का मतलब हम इम्प्लाइड ये नहीं है कि उसके साथ लर्निंग भी होगी, सो इसलिए ये तो गलत हो गया। टीच लर्निंग टू बी सक्सेसफुल, लर्निंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए मस्ट बी डिराइव फ्रॉम टीचिंग, ये टीचिंग से डिराइव्ड होनी चाहिए, क्या ये सही है? अगर कोई खुद ही लर्न करता है उसमें और जो टीचर सिखाता है उसमें फ़र्क होता है, अगर कोई गाइड करे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, वो यूज़फुल ज़्यादा होती है क्योंकि वो बातें अगेन आपको याद रहती हैं ज़्यादा टाइम तक, तो इसलिए लर्निंग को यूज़फुल बनाने के लिए वो टीचिंग से डिराइव्ड होनी चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू, तो आंसर हो जाएगा 3। देन क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम में, एरोसॉल हैव पोटेंशियल फॉर मॉडिफाइंग क्लाइमेट, क्लाइमेट को मॉडिफाई करने का इसमें पोटेंशियल होता है, एरोसॉल इंट्रैक्ट करता है दोनों शॉर्ट वेव से और रेडिएशन से, क्या ये दोनों सही हैं? यस ये दोनों सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इसका रीज़न क्या है, जो एरोसॉल होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, एरोसॉल्स स्मॉल होते हैं, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, इफेक्ट ग्रेटर होता है, सो ये मॉडिफाई कर सकता है क्लाइमेट को भी और मेन ह्यूमन को डेंजर भी पहुंचा सकता है, क्योंकि ये छोटे छोटे एरोसोल्स होते हैं और ये इट्रैक्ट करते हैं छोटे वेव्स के साथ और रेडिएशन के साथ, दोनों के साथ, और मेनली ये एयर के साथ भी इंट्रैक्ट करते हैं,
तो जिसकी वजह से ये क्लाइमेट को मॉडिफाई कर देते हैं, क्लाइमेट में उसकी वजह से चेंजेस आ जाते हैं. तो दोनों ही ट्रू हैं और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. मतलब ये जो एरोसोल्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो ओशियन, डेजर्ट, माउंटेन हो सकता है, इसकी जगह अब नेक्स्ट टाइम कुछ और आ जाए, तो इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं. डेजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट, आइस शीट और सभी इकोसिस्टम, ये जितने भी होते हैं इन सब से, इन सब में पाए जाते हैं. और ये क्या होता है, ये स्ट्रेटोस्फेयर के द्वारा, स्ट्रेटोस्फेयर में से एयर के साथ इंटरेक्ट करते हैं और इसका मेजर इम्पैक्ट पड़ता है, वो क्लाइमेट में भी पड़ता है और हमारी हेल्थ में भी पड़ता है. ठीक है, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, यहीं पे हमारा लेसन आज कंप्लीट होता है. आई होप आप सबको समझ में आया होगा. और मुझे फेसबुक पेज पे लाइक ज़रूर करना नव क्लासेस को, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. ऑल द बेस्ट.